न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। मैं हूं हरीश जसवाल। और आज हम फिर एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात करने वाले हैं। कल हमने बात की थी लंपी वायरस पे, आज हम बात करेंगे निपा वायरस पे, जो कि कोरोना की तरह एक बार फिर से लोगों को डरा रहा है। केरल में इसके मामले अब तक देखे गए हैं, लोगों की जान भी गई है, बहुत सारे लोग ऐसे संक्रमित हैं। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक अब इसके आंकड़े बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि ये भी कोरोना की तरह टच से फैलता है। इसके अभी तक कोई वैक्सीन निकलकर सामने नहीं आई है। ऑस्ट्रेलिया से कुछ डोजेस मंगाई हैं जिनके टेस्ट होने अभी बाकी हैं। सवाल ये है कि इससे कैसे बचा जाए, इसके सिम्टम्स क्या हैं। तो बहुत जल्दी से आपको बता देती हूँ, सिम्टम्स ये हैं कि तेज़ बुखार हो सकता है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, गले में खराश हो सकती है, ये शुरुआती लक्षण हैं। लेकिन अगर आप निपा वायरस से पीड़ित हैं और बहुत ज़्यादा गंभीर अवस्था में पहुँच गए हैं, तो आप पूरी तरीके से बीमार हो जाएंगे। डराना आपको मकसद नहीं है, हमारा मकसद है कि आपको आगाह करना, क्या ताकि आप सावधान रहें। हरीश जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, हमने लंपी वायरस पे बात की, लोगों को जागरूक करने की कोशिश की, लेकिन हम निपाह पर ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि ये जो है इंसान से इंसान तक फैल रहा है, जैसे कोरोना फैल रहा था। पैनिक की सिचुएशन ना हो, इसमें पैनिक सिचुएशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये उस तरह से नहीं फैलता जैसे पहले कोरोना था कि एकदम तुरंत के तुरंत फैलता था, इसे तुरंत एकदम से नहीं फैलता। ये इसके लक्षण पहले दिखाई देते हैं, लक्षणों में इसको बुखार आना, उल्टी आना, और आपको थोड़ा शरीर पे आपको दाने हो जाना, इस तरह के लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। और अगर ये बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसमें आपको बहुत सारी, जैसे काजोल ने आपको बताया कि इसमें आपको ड्राउजीनेस होती है, भूल चूक हो सकती है, आप दौरे पड़ सकते हैं, आपको दिमाग में सूजन हो सकती है, बहुत सारे इस तरह के आपके लक्षण पाए जाते हैं। पर हाँ, इसकी कोई अभी तक कोई वैक्सीनेशन नहीं हुई है, नहीं तैयार की गई है। इसके कुछ 20 डोजेज अभी ऑस्ट्रेलिया से मंगाए गए हैं एंटीबॉडी टेस्ट करने के लिए। पर फिर भी इसका जो सुझाव है, उसका सुझाव अभी यही है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, लिक्विड डाइट पर रहें और आराम करें। जितना ज़्यादा आप आराम करेंगे आपको उतना इसका फ़ायदा होगा। और पानी आप मैक्सिमम जितना, अगर आप मान लो दिन में 3 लीटर या 4 लीटर पीते हैं, इसमें डबल करें। लिक्विड में आप कई तरह के जूसेस ले सकते हैं, बहुत तरीके से आप अपनी लिक्विड डाइट को मेंटेन कर सकते हैं। यानी इसका कोई वैक्सीन नहीं है, आप आराम कर और लिक्विड डाइट लेकर ही इससे ठीक हो सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की और निपा वायरस की। कोरोना से इसे पूरी तरह से हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हाँ, पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है। कोरोना में मृत्यु दर उसमें 2-3% का था, इसमें मृत्यु दर ज़्यादा है, 40-70%। मतलब 100 में से अगर किसी को बीमारी तो 40 लोगों की से लेकर 70 लोगों तक की मौत हो सकती है। पर इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रिकॉशंस इसमें बहुत ज़्यादा लेने हैं। प्रिकॉशंस यही कि आप किसी को ऐसे संक्रमित है कोई भी, तो उससे थोड़ा सा दूरी बना के रखनी है और उसको प्रॉपर इलाज की ज़रूरत है। इसका टेस्ट करने का तरीका भी सेम है, जो कोरोना के टाइम पे टेस्ट किए जाते थे वही टेस्ट करने का तरीका है इसका, इसी तरह से आपको पता लगेगा। पर अभी ये केरला की तरफ पाए गए हैं इसके लक्षण। पर फिर भी जिस तरह से आज हमारे प्रदेश में डेंगू और ये सब मिल रहा है, तो इसके फैलाने वाले चीज़ें भी यही, मच्छर के द्वारा भी मतलब बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो वही उसी तरह से ये वायरस भी। तो यानी कि जैसे डेंगू का जिक्र अभी हरीश जी ने किया है, डेंगू में भी सेम लक्षण होते हैं कि बुखार तेज आता है, हाँ, उल्टी होना, ये सब उसमें भी लक्षण सेम तरह के पाए जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप घबराएं नहीं। RT-PCR जैसे कि आप कोरोना काल में आप लोगों ने कराया होगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कराया है, तो वही टेस्ट होगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि आप कौन से, ये कोई वायरल फीवर है, डेंगू है या फिर निपा वायरस है। इससे आपको पता चल जाएगा, आप इससे रोकथाम कर सकते हैं, अपना बचाव कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि अभी हरीश जी ने बताया कि डेंगू जो है वो मच्छर से फैलता है, मलेरिया मच्छर से फैलता है, लेकिन यहाँ पर जो अगर निपा वायरस की मैं बात करूँ तो ये चमगादड़ और सुअर, ये जो दो इसमें पाया जाता है, इसी वजह से ये आया है, इन्हीं के थ्रू आया है। 1991 में पहली बार निपा वायरस भारत में देखा गया था। उसके बाद हर साल हम देखते हैं कि एक आध इसके जो केसेस मिलते हैं, हाँ, और हर साल हम सलाह देते हैं लोगों को कि आप सावधानी बरतिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इस बार सिचुएशन पैनिक क्यों बनी हुई है? हमने असल में कोरोना का एक दौर देखा है जिसके कारण अभी डर गया नहीं है, और
डर होना भी चाहिए किसी बीमारी के प्रति, थोड़ा सा उस पर सचेत रहने की ज़रूरत है। और कोरोना में इतनी डेथ्स हमने देखी हैं, तो इस कारण से लोगों के अंदर वही है, कंपैरिजन वहीं से हो रहा है। और कंपैरिजन इस बारी अगर डेथ रेशो में देखे जाए तो डेथ रेशो इसका ज़्यादा घातक होगा, पर फिर भी इतना इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है एकदम से कि कोई लॉकडाउन लगने वाला है या कुछ इस तरह होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके प्रिकॉशंस लेने ज़रूरी है, हमने इस कोरोना ने हमें बहुत कुछ प्रिकॉशंस सिखाए हैं, वो प्रिकॉशन हमें आगे फ्यूचर में हमें रखने चाहिए। हाँ, सेम वही प्रोसेस है कि सावधानी बरतनी है, मास्क का इस्तेमाल तो आप करिए ही, देखिए पॉल्यूशन है, साथ ही साथ अभी बुखार, सरदर्द, ये बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, वायरल फीवर, डेंगू, इन सब में लोग कन्फ्यूज हो गए हैं कि हम करें क्या। तो सबसे पहले अगर आपको लगता है कि आप अस्वस्थ हैं, जो नॉर्मल चीज़ें हैं उससे ज़्यादा चीज़ें जा रही हैं, तो आप सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, डॉक्टर से कंसल्ट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वरना स्थिति गंभीर हो सकती है। मैं डरा नहीं रही हूँ आपको, अभी तो केरल में मामले मिले हैं, लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही है, जो आंकड़े आ रहे हैं, वो थोड़े से सोचने वाले हैं कि आगे चलकर ये फैल सकता है अगर इसकी रोकथाम वहीं नहीं की गई हो तो। उत्तर भारत में अभी कोई ऐसा मामला निकल कर सामने नहीं आया है, लेकिन सावधानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हरीश जी, निपाह वायरस पहले भी आया, निपाह वायरस अब भी आया है, निपाह वायरस चमगादड़ और सुअर से फैलता है, तो इसको लेकर बहुत सारी स्टडीज भी की गई हैं जी, इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि कोरोना भी ऐसा ही आया था कि वो भी चमगादड़ में देखा गया, फिर चूहों में देखा गया, कुछ ऐसा, मतलब ये जो सारी बीमारियां हैं क्या हमारे देश से ही आ रही है या बाहर, जैसे बाहर विदेशी लोग आते हैं उनसे? देखिए, विदेशी लोगों से ही आई, क्योंकि हमारे यहाँ तो चमगादड़ कोई खाता नहीं है, है ना, तो ये चाइना में इसको सूप बनाकर इस तरह से उन लोगों से ये बीमारी फैली है, और उन्हीं लोगों को ये शौक भी है इस तरह के पक्षियों को खाने का, तो उनसे इंसानों में गए, इंसानों से इंसानों में चला गया, इस तरह का वो है। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है। तो ये जो बीमारी है इंसानों से इंसानों में फैलती है, और ये फैलती जानवरों से ही है, जानवर जो कि चाइना के अंदर सूअर को खाना, चमगादड़ का सूप पीना, ये उस तरह के वहाँ से इंसानों में आई, इंसानों से फिर इंसानों में गई, तो मांस का सेवन वहाँ पर ज़्यादा है और वो बहुत ही डिफरेंट तरीके के उनका खान पान है, इस वजह से ये पूरे देश दुनिया में फैल गया। तो ऐसे में आपको सावधान करना हमारा कर्तव्य है और आप लोगों को जागरूक करना भी हमारा कर्तव्य है। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि रोकथाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि पैनिक वाली सिचुएशन ना आए। बिल्कुल ना रहे, अपना बिल्कुल खास ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने आस पड़ोस का ध्यान रखें। और जैसा मैंने फिर कहा कि तरल पदार्थ, लिक्विड पर सबसे ज़्यादा ध्यान, अगर आपके आसपास कोई लगता है कि कोई निपाह वायरस से पीड़ित है तो थोड़ी सी दूरी बना लीजिए, हो सकता है उस समय के लिए उन लोगों को जो बीमार हैं उनको छोड़ देना गलत होता है, लेकिन आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, डॉक्टर अपने आप उनकी पूरी मॉनिटरिंग करेंगे, ज़रूरी है, क्योंकि बचाव सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जितना हम अलग रहेंगे उतना कम ये स्प्रेड होगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।